हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आज हम देखते हैं ग्लिच इफेक्ट वाला वीडियो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पिक्सल ऐप आपको ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट पे जाइए, इसे रिमूव कीजिए और यहाँ पे आप जिसका भी नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला नाम लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट में जाइए और नीचे आपको मेम फॉन्ट ये आपके ऐप में पहले से ही अवेलेबल होगा, देखिए इस तरह। उसके बाद यहाँ स्ट्रोक पे जाइए, इसे इनेबल कीजिए। उसके बाद शैडो पे जाइए, इसे इनेबल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लेयर पे जाइए और ट्रांसपेरेंट कीजिए। उसके बाद इसे सेव एज इमेज कीजिए। उसके बाद डायमेंशन में अल्ट्रा डायमेंशन रखिए। उसके बाद सेव टू गैलरी, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा काइनमास्टर में। उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 9:16 का रेशियो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट तैयार किया है वो आप ले लीजिए। उसके बाद इसे इस तरह बढ़ा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इमोजी सिलेक्ट करते हैं। देखिए इस तरह। उसके बाद इसे रोटेट कीजिए और इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं और इसे यहाँ ले लेते हैं, ये इस तरह। उसके बाद इफेक्ट में जाइए और यहाँ से वेजेस रिवाइंड सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो गेट मोर में जाइए, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसे पूरे स्क्रीन पर लगा लेते हैं। उसके बाद हम सीधे बाहर आते हैं। उसके बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए और 9:16 का रेशियो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम जो इमोजी लेना चाहते हैं उसके बाद इसे इक्वल वाले सिंबल पर क्लिक कीजिए और इसे पूरी स्क्रीन पर लगा दीजिए। ऐसा हमें सारे फोटोज को करना है, देखिए इस तरह। सारे फोटोशॉप करने के बाद इसकी लेंथ पूरी कम कर देते हैं, देखिए इस तरह, ताकि हमारे फोटोज जल्दी जल्दी चेंज हो। उसके बाद इसे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसे एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमने पहले करके रखा था वहाँ पे जाइए, इसे एडिट कीजिए। उसके बाद इसके आगे आके मेटा पे जाइए और हमने जो अभी फोटो का स्लाइड शो तैयार किया है वो हम ले लेते हैं, ठीक है इस तरह। हम जितने सेकंड का तैयार करना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। देखिए मैंने 18 सेकंड तक ले लिए है को दिखाने के लिए सिर्फ। उसके बाद हम साउंड सिलेक्ट करते हैं।
ये देखिए इस तरह। उसके बाद हमारा जितना साउंड है वहाँ तक हम इसे ले लेते हैं और क्या कि हम डिलीट कर लेते हैं, देखिए इस तरह। उसके बाद हम एक इफेक्ट लेंगे, वो हम सारे वीडियो में यूज़ करते हैं। ये ले लिया है, उसके बाद इसे फिट टू स्क्रीन कीजिए और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाकर स्क्रीन वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए। उसके बाद और एक इफेक्ट है वो हम ले लेते हैं, उसे भी यहाँ पर लेने के बाद फिट टू स्क्रीन कीजिए और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाकर स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम कमी करना क्या है कि इसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और हमें जो अगर आपको ये इफेक्ट कौन सा भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है तो हम आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए मेरे फोटोज़ कम है इसलिए वो फोटोज़ जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, अगर आपके फोटो ज़्यादा हो तो आपको ये इफेक्ट अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए तैयार होने के बाद।